हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रदीप आर्य आप सभी का स्वागत करता हूं आपकी अपने यूट्यूब चैनल जड़ी बूटी और गार्डन ज्ञान में। दोस्तों, ये आप अपनी स्क्रीन पर जो पेड़ देख पा रहे हैं, आपने पहचान ही लिया होगा, ये है पपीते का पेड़। और दोस्तों, ये लगभग 12 फीट कम से कम ऊंचा है और ये फलों से लदा पड़ा है, आप देख पा रहे होंगे। मैं इसके फल जो है आपको पास से दिखा देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, इसके हमने 3 फल जो हैं वो हार्वेस्ट कर लिए हैं और ये चौथा फल है। और ये लगभग 2-2.5 किलो का कम से कम है और ये जो है अब 1 या 2 दिन में पककर तैयार हो जाएगा। और ये देखिए दोस्तों, ऊपर ये कितने सारे फ्रूट्स इसके ऊपर हैं। और दोस्तों, ये जो है ये एक ऐसी वेराइटी है जिसमें गुच्छों में फ्रूट्स लगते हैं। ये देखिए, ये जो आप देख पा रहे हैं ये वाले, ये गुच्छे में हैं और ये इधर वाले, ये भी गुच्छे में हैं और वो जो ऊपर आप देख पा रहे हैं वो भी गुच्छे में है। तो दोस्तों, ये काफ़ी भारी वृक्ष जो है वो हो चुका है। ये देखिए इसका तना और ये देखिए इसकी रूट्स। और इसका जो फ्रूट है बड़ा ही टेस्टी फ्रूट है दोस्तों। ये देखिए यहाँ से कितना सुंदर इसने कलर ले लिया है और ये पकने के बाद बड़ा ही स्वादिष्ट मीठा हो जाता है। तो दोस्तों, जब आप पपीता लगाएं तो ये बात अवश्य ही ध्यान रखें कि जहाँ पर आप पपीते को लगाने जा रहे हैं वहाँ पर कम से कम 1.5 बाई 1.5 बाई 1.5 का एक ऐसा गड्ढा बना ले कि जिसके अंदर आधी मिट्टी और आधा गोबर का सड़ा हुआ खाद हो। ये जो मैंने यहाँ पर लगा रखा है, इसको ऐसे ही मैंने लगा रखा है और ये दोस्तों 1 वर्ष और 4-5 महीने का पौधा ही है, ज़्यादा इसकी आयु नहीं हुई अभी। और फ्रूटिंग इसकी ज़बरदस्त, आप देख पा रहे होंगे इसके ऊपर जो है वो 70-80 कम से कम पपीते लगे हुए हैं। तो आज की वीडियो बनाने का उद्देश्य मात्र ये था कि आपको पपीता जो है वो लगाने की प्रेरणा दी जाए, क्योंकि वर्तमान में बारिश का मौसम है तो पपीता आराम से सर्वाइव कर जाता है और आप बाज़ार से पौधा लाकर भी इसको लगा सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और विषय के साथ। तब तक नमस्कार जी।